हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से एक अनदर वीडियो, शादी मुबारक समर एडिशन, फनी जयमाला वरमाला वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या हाल है? शादी मुबारक के एकदम न्यू फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है, बोले तो समर एडिशन। जैसा कि आपको पता है कि शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ लोगों की शादियां हो गई, कुछ लोगों की होने वाली होंगी, तो बेटा शादी का लड्डू तो तुम सब खाओगे। गर्मी में शादी तो लेकिन मान सकते हैं, तो एक चीज मान लेना भाई साहब, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में शादी करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। सही बात है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, सर्दियों में ना सब कुछ ठंडा ठंडा रहता है ना, तो उस वक्त में जो गर्मी का एहसास आपको मिलेगा वो पल आपके लिए यादगार बन जाएगा। परंतु गर्मियों में साला पहले से सब कुछ गर्म रहता, सबकी खोपड़ी गर्म रहती है, बॉडी गर्म रहती है। मैं सही बता रहा हूँ, पसीना पोंछते रह जाओगे। गर्मी में वैसे सब कुछ गर्म रहता है कि स्वागत मनाते टाइम चिंगारी निकाल के आग मत लगा देना। ऐसा हो सकता है क्या? खैर, जब शादियों का टॉपिक उठा ही है तो बाबू ये बात दूर तक लग जाएगी, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते ही लेके उससे पहले जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भैया, इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, जैसे कि ये। बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है। और दूसरे लोग वो हैं जिनकी शादी बुढ़ापे में होती है, जैसे कि ये लोग। ओ भाई, मतलब ताऊ की तो लॉटरी लग गई। मतलब अब मेरी समझ में ये चीज नहीं आती कि जिन बुजुर्गों से रसगुल्ला नहीं खाया जाता वो साले बुढ़ापे में शादी करके क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो भैया मेरी समझ से परे चल रही है चीजें, और आजकल जैसे हालात चल रहे हैं ना, जवान लड़कियों से शादी बुढ़े ही करेंगे। सही बात है, झुंझुना हिलाते रह जाना। पता नहीं यार, ये किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? नहीं, लड़कियां भी तो आजकल है ना, फ्रेंड जोन करे जा रही है। फ्रेंड जोन कर लो, फ्रेंड जोन फिर बुढ़ाऊ यहाँ लगेंगे। मोदी जी, क्या हो रहा है? मोदी जी की बात तो हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन इस ताऊ का हम क्या करें? ताऊ गाना सुनता रह गया और उसकी लुगाई की कोई और मांग भर के चला गया। सही भी है, ताऊ इस उम्र में बवासीर का इलाज। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं ताऊ के ऊपर ध्यान दे रही थी कि कहाँ देख रहा। सुंदर सी लड़की देख लो और शादी कर लो। भैया हमने तो कर ली, तुम्हें क्या लग रहा है इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? नेल पॉलिश लगा के थोड़ी बैठे हैं हम। हमारा जो होना था वो तो हो लिया बेटा, तुम ही नल्ले रह गए। क्या बात है, बात है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा। और ऐसा नहीं है कि जवानी से बुड्ढों को ही छा रही है, बूढ़ी औरतें भी अब इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। क्या अब देखो यार, ये ताई इस लौंडे के कुछ भी लगती हो, लेकिन ये जो लौंडा है ना, मुझे लड़कियों का सताया हुआ लग रहा है। दुनिया जहाँ की सारी लड़कियों से ठोकर खाने के बाद भाई को सच्चा प्यार इस बुढ़िया में दिखा। और ऐसा नहीं है कि ये कारनामा करने वाली पहली महिला है, ना 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 ना, यहाँ भी कतार थोड़ी लंबी है, तुम बस गिनती करते जाओ। क्या चल रहा है आंटी? ये क्या चल रहा है? ये शादी करेंगे हम दोनों। शादी करी तुम दोनों ने? तुम्हारी उम्र और इसकी उम्र फर्क नहीं है? क्या फर्क क्यों नहीं जानते? कौन है तुम्हारा? ये कौन है तुम? ये मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी कर। हाय भगवान, अपनी बहन के लड़के को बर्बाद कर दिया। कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र? हाँ मेरी उम्र है 50। और तेरी? बेटा 10 साल बाद लटक लोगी तुम तो। मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छा शादी करूँगी इसी से। या ताई ने सोमवार के व्रत कुछ ज्यादा ही रख लिया भाई साहब। तो आजकल लड़कियों का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियों भैया लड़के संकट में है यार, लड़के शादी करेंगे बचाओ तो ऐसा बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो ऐसा बंदा बनाएंगे जिसे देखने के बाद तुम्हारा दिल दिमाग फेंपड़ा से पे की बात बोलेगा। अरे ए मारो इसको, यहाँ साला घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। हाँ। तो इसको क्या बोलोगे तुम? बाबा बड़ी मुश्किल, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। क्या हो रहा है? और घास से मुझे याद आया, कल ना मेरे मोहल्ले में एक शादी थी, तो उसमें यार एक लड़की बहुत पसंद आई हमको, काफी सुंदर थी वो दिखने में। okay. तो वो ना यार गोलगप्पे के रेडी पे खड़ी थी, और मैं ना स्टेज पे जाके थोड़ा फोटो वोटो खिंचवाने लगा, और जैसे ही मैं फोटो खिंचवा के आया मैं बंदी गाया, साला नाम पता भी नहीं पूछ पाया यार मैं उसका। हे भगवान, कोई रास्ता बता यार, शादी हो गई है अब तो सुधर जाओ।
तो बात हो रही थी शादियों की। तो सच बताऊं, अब शादियां उस तरीके से नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। पता नहीं लोगों को पार्टनर नहीं मिल रहा, क्या बात है भाई साहब, गंगा उल्टी बह रही है। बुढ़े जवान छोरे इनसे शादी कर रहे हैं। तुमको रखूंगा दिल में बसा के। ये तो वही लड़की है ना, ये जो हम किसी और से प्यार करते हैं और इस लड़के से हम टाइम पास कर रहे थे। तुम्हारी क्या लगती है, ये बुढ़ाओ से शादी कर ले। सास लगती है, अपने सास को भगा ले आए। वाह भाई साहब, अब तो मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि प्यार अंधा बहरा गूंगा सब होता है, कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब। हाँ ये सास तुम्हारी यही है, इधर आओ, कहाँ छिप रही है, क्यों क्यों इसके साथ चले आये, दामाद के साथ क्यों चली आई, इसी पर रहोगी हाँ, और तुम्हारी लड़की भी यही रहेगी। ताई ने छुरा की जवानी तो खराब करी ही करी, साथ में अपने पति को बढ़ापो खराब कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये कारनामे सिर्फ इंडिया में ही हो रहे हैं, इस रेस में हमारा पड़ोसी मुल्क कतई पीछे नहीं है। भाई साहब आपकी एज कितनी है? एज मेरी कोई 61 होगी। 61 है जी। आसिया आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। हे भगवान। अच्छा मुझे ये बताओ आसिया, आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? मेरी एक दो बार इनसे मुलाकात हुई, मैंने बातें सुनी और मैंने मोहल्ले वालों से भी इनका सुना हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं चलो शादी कर लेती हूँ। चूतिया औरत, शादी कर लेती हूँ। तो आपको इनसे मोहब्बत हो गई? हाँ जी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। एक साल मैं ना, सिर्फ एक साल, ये पछताएगी कि भाई आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो जो हम जवान लौंडे नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पांस। अबे चीनी कम में भी अमिताभ बच्चन को पापड़ बेलने पड़ गए थे यार, और ये लोग बुढ़ापे में रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो कौन सी कंपनी का च्यवनप्राश खा रहे हो भैया आजकल? अब बताओ आप इसको क्या कहोगे? आपका नाम क्या है? शुमाइला। शुमाइला, आपकी सर उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70। 70 साल जी। आपकी उम्र कितनी? 19 साल। अच्छा आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? उम्र से लड़की से शादी कर रहे हैं भाई ये लोग। कैसे मोहब्बत हुई? मॉर्निंग वॉक में क्या हुआ? क्या देखे इश्क में जो है उम्र नहीं देखी जाती, बस हो जाती है वो। एक लाख पड़ेगा ना तेरे कान के नीचे, इश्क में उम्र नहीं देखी जाती। कुछ इन्होंने आंख में टक्का किया, कुछ मेरा हो गया। आंख में टक्का बात है ना, हम लड़कों के मन से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हो नहीं रहा, अन्याय हो गया। हो गया भैया तुमको, मार्केट में इतने अच्छे अच्छे लड़के घूम रहे हैं और तुमको बुढ़े पसंद आ रहे हैं। जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं ना भाई साहब, कुछ दिनों में लड़के बंदरों पे सेट होने लगे। लड़कियों के भी माइंड का आजकल कुछ पता ही नहीं है, शादी करेंगे तो सीधा बुढ़ों से करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करके अपने आप से ही कर लेंगी। सही बता रहा हूँ मैं? इंडिया में एक लड़की कर चुकी है। हवन कुंड जलाते हुए मैंने खुद को सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाया, मैंने फेरे लिए शादी के बाद खुशी से। मैडम ने नेट पर सर्च किया और ये क्या मतलब, वो रूही का असर पड़ गया। करना चाहिए, अगर तुमको बवासीर है ना भाई साहब, तो नेट वाले उसे कैंसर घोषित कर देंगे। और यूट्यूब के डॉक्टरों का तो तुम्हें पता ही है, साले इनो में कॉलगेट और लॉन्ग घुसेड़ घुसाड़ के पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। तो सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। अब पता नहीं यार ये लड़की मोदी जी की कुछ ज्यादा बड़ी फैन है कि पता नहीं इसको क्या सूझी। अबे मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने को बोला था, लेकिन इतना भी नहीं बोला था कि तुम खुद से ही शादी कर लो। एल्ला विषम मंगल किड़ी यलम, क्या हो रहा है। और वहीं अगर बात करें मेकअप की, तो भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, ये जितने भी साले इंडिया में ब्यूटी पार्लर है ना, सबको बैन कर दो, क्योंकि इनके पास वो अद्भुत शक्ति है, ये मारुति को साले मर्सिडीज बना सकते हैं। अबे लड़कों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं यार ये लोग। हाय, आई लव योर मेकअप मैम, मुझे तो वाव चाहिए। तो गाइस इनको वाव मेकअप चाहिए, सो स्टे ट्यून्ड फॉर हर वाव लुक। लड़कियां तो बाव मेकअप करा के बाव लगने लग जाती हैं, लेकिन लड़कों के बारे में भी तो कोई सोचो। जब अगले दिन लड़की मेकअप निकालती है ना, तो लड़कों की आत्मा है ना छाती के निप्पल से बाहर निकल जाती है। पता है उस वक्त लड़कों के मन में क्या चलता है? तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। अबे इतना भी मेकअप मत करो भैया, साला इतना तो पेंटर भी नहीं पोतते। सही बात है यार, चेहरे को पोत देते हैं। शादी हो गई, चलो अब विदाई करवा देते। आपको मैंने कई टाइप की विदाई दिखाई है भाई साहब, हंसती हुई, रोती हुई, भगती हुई, तो हर विदाई का ना अपना एक अलग ही मजा है। अपना विदाई में दो टाइप के लोग आ गए हैं, पहले वो जो रोते नहीं है। तुम में से कोई क्यों नहीं रो रहा? रो, हम क्यों रहे? हमारा मेकअप बताओ ना, खुद रो रही है ना घर वाले रो रहे हैं, मतलब छोरी तो ज्यादा मेकअप इम्पोर्टेंट है, और दूसरी तरफ या बिटिया ने रो रो के पूरा मोहल्ला एक कर दिया। जिंदगी खराब हो गई दादा बेचारी।
बताओ इसको माँ बाप से बिछड़ने से ज्यादा दुख इस बात का है कि इसको ससुराल में जाके बर्तन धोने पड़ जाएंगे। वाह बेटी वाह, लड़कों की परेशानी का तो भैया कोई इलाज नहीं है, उससे ज्यादा मैं झेल पाऊंगा नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, उसके बगल में जो घंटे का निशान है उसे दबाकर और सेलेक्ट कर लेना। आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने में ट्राई कर रहे हैं तो हैपन आपके लिए बहुत ही कारगर ऐप साबित हो सकता है। सो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। ओके सो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड भाई साहब क्या वीडियो है और क्या है यार, पहले निब्बा निब्बी ही ये कम थे निब्बा निब्बी, मतलब एक मिनट रुक जाओ, गर्मी बहुत परेशान कर रखा है इस गर्मी ने, ओह माय गॉड। सो बैक टू द बिजनेस, मतलब यार ये निब्बा निब्बी अभी कम थे, जो छोटे छोटे बच्चे कपल्स बन रहे थे, शादी कर रहे थे, वो अभी कम थे, जो अभी ये बुढ़ौती में भी जवानी चराने लगी है। और बुढ़ों को तो चले जाना, तो अगर वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं ठीक है, एक बुजुर्ग अगर दूसरी बुजुर्ग से शादी कर रहा है देन कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो चुतियापा है ना कि हाँ मतलब इश्क की कोई उम्र नहीं होती, नहीं देखी जाती, मतलब यार थोड़ा सा ऑड लगता है ठीक है। आप एक लंबे टाइम से अगर एक दूसरे को जानते हों और उसके बाद एक मैच्योर रिश्ता बनाने की कोशिश करें ठीक है, शादी करने की कोशिश करें, भले ही एज गैप आपका काफ़ी ज़्यादा है तो समझ में आता है कि हाँ रिश्ता है, बन गया, फीलिंग्स हैं, जेन्युइन है ठीक है। लेकिन वॉक पे जा रहे थे, आंखें मटकी, मतलब नैन मटक्का हुआ और मोहब्बत हो गई, वाह बिटिया तुम्हें और कोई नहीं मिला था नैन मटक्का करने के लिए हैं। अबे कहाँ 60 साल, कहाँ 18 साल, कहाँ 70 साल, कहाँ 19 साल, और कितनी उससे स्वैग से बोल रही है मुझे तो बड़े पसंद आए, और नैन मटक्का कुछ इन्होंने किया कुछ हमने किया और हो गया, मतलब क्या हलवा है बन गया दो मिनट में। अबे यार ना हंसते बन रहा ना रोते बन रहा। एक वो दोनों आंटियाँ, मतलब एक बोल रही, एक चाची अपने भतीजे को फंसा ली है ना, एक क्या बोलते हैं मौसी अपने भांजे को फंसा लिया, और तो और अभी कम था दामाद जी सास को ही भगा के ले आए। अबे अबे दुनिया दुनिया किधर को जा रही भैया, किधर को जा रही है कुछ नहीं समझ में आ रहा यार। एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू सम्राट भैया, शादी बहुत बहुत मुबारक हो, उसको क्या बोलते हैं सदा सौभाग्यवती वह हो। ये आपके लिए भी है, आपकी वाइफ के लिए भी है, दोनों का सौभाग्य बना रहे, यही मतलब इक्वल आशीर्वाद देने का मेरा थोड़ा सा रिवाज है ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ रिवाज है, मैं इक्वल आशीर्वाद देती हूँ। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।